भाइयों बहनों, हरेक क्षेत्र में आज परिवर्तन दिख रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं हिंद में चंबल के नौजवानों के उत्साह को देख रहा हूं। ये उत्साह देश का उत्साह है, ये ऊर्जा देश की ऊर्जा है। इस ऊर्जा को देश के काम आना चाहिए और कांग्रेस यही भी विफल थी। भाइयों बहनों, इसी ऊर्जा के कारण आज भारत प्रगति कर रहा है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से उभरा है, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभरा है और भाइयों बहनों, इसीलिए विधानसभा का ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केवल सत्ता के लिए नहीं भाइयों बहनों, ये चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, ये भारत की उस तकदीर को बदलने का है जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जनता जनार्दन के समर्थन के साथ आगे बढ़ा देना है। आप सोचिए, कोई सोचता था कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनेगा? कभी नहीं। कोई सोचता था केदारनाथ धाम में केदारपुरी फिर से स्थापित हो जाएगी? और क्या कोई सोचता था महाकाल में महालोक की स्थापना हो पाएगी? भाइयों बहनों, क्या कांग्रेस काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना का कार्य कर पाती? क्या केदारनाथ पुरी के पुनरुद्धार का काम कांग्रेस कर पाती? समस्या तो कांग्रेस ने ही दी थी। और भाइयों बहनों, अयोध्या में 500 वर्षों का जो संघर्ष था उसको परिणाम में बदलने का काम कांग्रेस कर पाती? आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है ना, आपको कोई संदेह नहीं है ना? कोई संदेह है? जब हम लोग नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग कहते थे देखो ये सब केवल वोट लेने के लिए आए हैं। तो हम लोगों ने तब कहना शुरू किया था प्रारंभ में कि राम लला हम आएंगे, गुलामी का ढांचा जरूर हटाएंगे। हट गया ना? फिर कहा मंदिर बनाएंगे, मंदिर बन रहा है ना, और अब हम बोल रहे हैं तिथि भी बताएंगे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनने के उपरांत रामलला 500 वर्षों का इंतजार के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। होने वाले हैं ना? और भाइयों बहनों, आप सभी को अयोध्या में रामलला का दर्शन कराने के लिए डबल इंजन सरकार के सारथी के रूप में अरविंद सिंह भदौरिया और नरेंद्र सिंह कुशवाहा जैसे लोग जब जीत के जाएंगे तो लेकर के अयोध्या भी लेके जाएंगे। आप इनको भोपाल पहुंचाइए और ये लोग आप लोगों को अयोध्या लेकर के जाएंगे। सहमत हैं? सहमत हैं ना सभी लोग? और इसीलिए हम लोग आए भाइयों बहनों, याद रखना जो संकट का साथी है वही सच्चा साथी है। कांग्रेस के लोग कोरोना कालखंड में गायब हो गए थे, किसी नेता का पता था क्या? भाई बहन भी गायब हो गए थे। संकट में देश संकट में होता है और नाना नानी की याद उनको नहीं रखती। मध्य प्रदेश की याद नहीं आती, चंबल की याद नहीं आती है, चंबल की याद कब नहीं आती है, भिंड की याद नहीं आती है, देव की याद उनको नहीं आती है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की याद नहीं आती है। भाइयों बहनों, लंबे समय तक इन्होंने शासन किया देश में लेकिन विकास नहीं किया, देश को समस्या दी। और भाइयों बहनों, अकेले ये डबल इंजन की सरकार है,
कोरोना का जो परिणाम दिया है आपके पास है भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन भी। भाइयों बहनों, पहली बार है जब किसी बीमारी की, किसी महामारी का वैक्सीन देश के अंदर ही बना हो, वह कोरोना का, वह मोदी जी के कारण बन पाया है। एक नहीं, दो दो वैक्सीन, दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन, 220 करोड़ वैक्सीन की डोज भारत के नागरिकों को प्रधानमंत्री जी ने फ्री में उपलब्ध करवाने का काम किया। और भाइयों बहनों, यही नहीं, गरीब भूख से न मरे, फ्री में राशन भी तो दिया। यहाँ 80 करोड़ लोगों को 3.5 वर्ष से मिलना है और अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। ये गरीबों के लिए शौचालय हो या गरीबों के लिए आवास, गरीबों के घर में बिजली हो या रसोई गैस के कनेक्शन, या 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड, या अभी तो डबल इंजन सरकार की देन है, क्या कांग्रेस ने दिया क्या? देगी नहीं, ये तो अपना ही पेट नहीं भर पाती है। इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतारे हैं। पटेल से लोकप्रिय नेता, मध्य प्रदेश शासन में वर्तमान में मंत्री भी है, देवेंद्र सिंह भदौरिया जी, और भिंड से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक कर्मठ कार्यकर्ता से नरेंद्र सिंह कुशवाहा को अपना प्रत्याशी चुना है। आप सभी लोग सहमत हैं दोनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए? जिताएंगे। कमल चुनाव चिन्ह पर 17 नवंबर को भारी बहुमत से कई राखी भेजेंगे, सभी लोग सहमत हैं ना? तो भाई बहनों, कल सायंकाल चुनाव प्रचार बंद होगा, परसों एक दिन का समय मिलेगा एक एक घर जाने का, और 17 को मतदान होगा। तय कर लेंगे ना हम लोग, पहले मतदान और फिर। सहमत हैं सभी लोग? सहमत हैं तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जै जै श्री राम।